हेलो, आप सभी का स्वागत है V90 में। मैं हरीश उधार आज एक न्यू ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ, कंस्ट्रक्शन लाइन कैसे यूज़ करते हैं और उसे हम एक्स लाइन कमांड भी बोलते हैं। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। ये इंटीरियर आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर सब लोग इसे यूज़ करते हैं और बहुत ही ईजी कमांड है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपको ड्रॉ टूल बार में जाना है, फिर आप इधर कंस्ट्रक्शन लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं और इसमें नीचे आप देख सकते हैं इधर पांच ऑप्शन दिए गए हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगल, बिसेक्ट और ऑफसेट। ये सब आज मैं आपको पांचों चीज़ें बताने वाला हूँ कि इसके कैसे यूज़ करते हैं। ओके, और इसका कंस्ट्रक्शन लाइन का शॉर्टकट की है एक्सेल, एंटर। आप देख सकते हैं इधर एक्सेल टाइप करने पे आ रहा है एक्स लाइन, आपको इसे इंटर करना है। फिर इधर नीचे ऑप्शन है हॉरिजेंटल, मैं आपको हॉरिजेंटल बताता हूँ ये क्या कैसे यूज़ करते हैं और इसका काम क्या है। हॉरिजेंटल मतलब आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, वो केवल हॉरिजेंटल में ड्रॉ होगा। और एक्स लाइन का आप देख सकते हैं इसका ना ही स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही एंड पॉइंट है। आप कितना भी जूम करोगे तो इसका एंड पॉइंट आप नहीं देख पाएंगे और ना ही स्टार्टिंग पॉइंट, इसका कुछ नहीं है। और रे कमांड में आप स्टार्टिंग पॉइंट देख सकते हो, एंड पॉइंट नहीं देख सकते हैं। तो जैसे मैं अभी इसे डिलीट कर देता हूँ, आपको क्या करना है सिंपली, जैसे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और इसे मैं डिवाइड कर देता हूँ 10 टाइम्स, सॉरी डिवाइड 10 टाइम्स में डिवाइड कर देता हूँ। फिर आपको एक्सेल एंटर करना है। फिर जैसे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करता हूँ तो आपको जिधर आपका पॉइंट है डिवाइड किया हुआ, आपको उधर केवल क्लिक करना है सिंपली और आपका लाइन ड्रॉ हो जाएगा, वो भी आपका परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। फिर एक्सेल एंटर, वर्टिकल। अगर आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है तो आप वैसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वो आपके डिपेंड करता है आपका डिज़ाइन क्या है। तो आप इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से और फास्ट वे में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वापस मैं एक्सेल टाइप करता हूँ। फिर आप इधर देखेंगे, मैंने आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को कैसे यूज़ करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अभी ये मैं आपको बताऊंगा एंगल कमांड से क्या कर सकते हो आप। तो जैसे मैं अभी फ़िलहाल इसे डिलीट कर देता हूँ, फिर आपको एक्सेल टाइप करना है, फिर एंगल, आपको कौन से एंगल में लाइन ड्रॉ करना है। जैसे मैं करता हूँ, मुझे 45 डिग्री में लाइन ड्रॉ करना है, तो आपको 45 एंटर करना है। फिर आपको सिंपली क्लिक करना है तो आप देख सकते हैं जो भी लाइन बनेगा वो आपको 45 डिग्री में बन रहा है मेरा। या फिर मैं एक्सेल एंटर करके फिर -45 करूँगा, सॉरी एक्सेल एक्सेल क्लिक करके फिर आपको एंगल पे क्लिक करना है। अभी मैं -45 पे ड्रॉ करूँगा तो आप देख सकते हैं जो भी मेरा लाइन बन रहा है वो -45 डिग्री पे मेरा लाइन ड्रॉ हो रहा है। तो आप ऐसा कौन से भी एंगल में ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको केवल 45 डिग्री पे ही कर सकते हो। जैसे मैं वापस एंगल सेलेक्ट करता हूँ, अगर 60 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करना है तो आपका लाइन 60 डिग्री पे ड्रॉ होगा, तो ये आप देख सकते हैं। और फिर इसे मैं वापस डिलीट कर देता हूँ, एक्सेल एंटर। फिर वापस आते हैं बिसेक्ट। एक्चुअली बिसेक्ट क्या है, बिसेक्ट मतलब आपका कोई भी एंगल में ड्रॉ किया है तो आपको वो उसका हाफ में डिवाइड करके आपको उधर एक लाइन ड्रॉ करेगा, उसे बिसेक्ट कहते हैं। जैसे मैं एक सबसे पहले एक 90 डिग्री पे ही एक एंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर आप मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में जाता हूँ, जैसे आप ड्रॉ टूल बार में जाके इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको सेलेक्ट करना है बिसेक्ट, आप इधर देख सकते हैं नीचे कमांड टूल बार में बता रहा है स्पेसिफाई एंगल वर्टेक्स पॉइंट, आपको वर्टेक्स पॉइंट सेलेक्ट करना है जहाँ से आपको एंगल निकालना है। फिर स्पेसिफाई एंगल स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट कौन सा है मेरा, स्टार्ट पॉइंटिंग ये रहेगा। और आपका अब इधर देख सकते हैं स्पेसिफाई एंगल एंड पॉइंट, आपको एंड पॉइंट सेलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं इधर आपका एक लाइन ड्रॉ हो गया है। अभी मैं आपको एक मेजर करके भी बता देता हूँ आपको, जैसे मैं ये एंगल सेलेक्ट करता हूँ ये कितने डिग्री का है। जैसे मैंने ये 90 डिग्री पे ड्रॉ किया, अगेन वापस आप वही एक्स लाइन को सेलेक्ट करोगे और आपका एग्जिस्टिंग लाइन जो रहेगा आप सेलेक्ट करने पे आप मेजर नहीं निकाल सकते हो। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा एक्सेल
नहीं एक्सेल नहीं, सॉरी, इसके लिए आपको करना पड़ेगा लाइन कमांड सेलेक्ट करना है, और आपको एक ऐसा है वही सेम लाइन पे एक लाइन ड्रॉ करना है, फिर आपको एंगुलर डायमेंशन सेलेक्ट करना है और ये लाइन सेलेक्ट करना है, और दूसरा जो एग्जिस्टिंग लाइन रहेगा आपको वो सेलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं 45 डिग्री में आपका एक ये लाइन ड्रॉ हो गया एक्सेल लाइन, मतलब आपका जितना भी डिग्री रहेगा, जैसे 30 डिग्री है तो वो आपको 15 डिग्री में कन्वर्ट करेगा, 60 है तो आपको 30 डिग्री में वो आपको कन्वर्ट करके देगा, एक लाइन उधर ड्रॉ हो जाएगा। ओके तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, और ऑफ भी रहेगा ऑफसेट, तो जैसे मैं एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, और मैं एक कंस्ट्रक्शन लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको ऑफसेट सेलेक्ट करना है, आपको इधर जैसे देख सकते हैं स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, तो आपको कितना छोड़ के ऑफसेट ऑफसेट कर तो आपको कितना छोड़ के ऑफसेट करना है आपको वो एंटर करना है, जैसे मुझे 1 फिट एंटर, तो आप जो भी ऑफसेट करोगे वो आपका 1 फिट पे ऑफसेट होगा। आप कंस्ट्रक्शन लाइन से भी ऑफसेट कर सकते हो, और जैसे मैं एक इधर एक लाइन और ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर वापस कंस्ट्रक्शन लाइन सेलेक्ट करता हूँ, ऑफसेट अभी मुझे 2 फिट का ऑफसेट देना है, मैं 2 फिट एंटर, आपका जितना भी अभी लाइन ड्रॉ होगा वो आपका 2 फिट पे डिस्टेंस पे ड्रॉ होगा। तो मैं आपको मेजर करके भी दिखा देता हूँ, जैसे लीनियर कमांड सेलेक्ट करना है, आप देख सकते हैं ये 1 फिट पे डिस्टेंस पे लाइन ऑफसेट हुआ था, और ये आपका 2 फिट पे ऑफसेट हो रहा है। तो आप कंस्ट्रक्शन लाइन की कमांड से आप डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हो, जैसे मैं एक आपको सिंपली डोर बना के दिखा देता हूँ, 7 फीट बाय 3 फीट बाय 7 फीट के ऑफसेट, टू इंच मैं ड्रॉ फ्रेम शो कर देता हूँ, फिलेट भी आप देख सकते हैं ये मेरा डोर है। तो आपको इसमें कुछ ग्रूव देना है, तो आप क्या कर सकते हैं एक्सेल अभी आपको एंगल सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर आपको 45 डिग्री पे ग्रूव देना है, तो मैं 45 डिग्री एंटर करता हूँ, जैसे आप देख सकते हो मैं से कुछ मैंने ग्रूव दिया, फिर आप करते कर सकते हो एक्सेल एंटर, फिर मैं वापस एंगल सेलेक्ट करूँगा, फिर आपको करना है जैसे मैं करता हूँ -30 डिग्री, तो आपका ग्रू -30 डिग्री पे ड्रो होगा। तो आप ऐसा कुछ ड्रो कर सकते हो, अपना डिज़ाइन कर सकते हो, मैं इसे ट्रिम कर देता हूँ, जैसे मैंने एक रैंडमली एक मैंने डोर का डिज़ाइन किया है, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं इसमें। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें, थैंक यू।